पोस्टरल अलाइनमेंट बिगड़ने के रीजन जानते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि जिससे आपका बॉडी का पोस्टरल अलाइनमेंट खराब होता है। लोगों को लगातार 9-9, 10-10 घंटे तक ऑफिसों में कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होता है, उस टाइम पे वो भूल जाते हैं कि उन्हें बिल्कुल सीधे होकर काम करना होता है, झुक के काम करना शुरू करते हैं। लोग ड्राइविंग करते टाइम ध्यान नहीं देते हैं, वो झुक के ड्राइविंग करते हैं। और साथ ही बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो झुक के पढ़ाई कर रहे होते हैं, और फोन चला रहे तो झुक के चला रहे। और साथ ही एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि वर्कआउट ना करना। आइए जानते हैं उन एक्सरसाइजों के बारे में जिन एक्सरसाइजों को कंटिन्यू करने से अपना बिगड़ा हुआ बॉडी का पोस्टरल अलाइनमेंट आप ठीक कर सकते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टर अलाइनमेंट को कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे करने से आप पोस्टरल अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं। नंबर वन एक्सरसाइज है बेबी पोज एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी लोअर बैक की मांसपेशियां, साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये आपकी बैक का जो पोस्चर बिगड़ा हुआ है उस पोस्चर को ठीक करने के लिए काफी मददगार एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज है कैट एंड काउ स्ट्रेचिंग। ये काफी आसान एक्सरसाइज है, अपनी पीठ को सीध में लाने के लिए इस एक्सरसाइज का यूज कर सकते हो, साथ ही मांसपेशियां भी मजबूत होंगी और आपकी स्पाइन कोर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। तो ये एक्सरसाइज भी आपके पोस्टर अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए काफी फायदेमंद है। एक्सरसाइज है प्लैंक एक्सरसाइज। प्लैंक एक्सरसाइज करने से हमारे सेहत को कई फायदे होते हैं, वजन कम करने से लेकर के हमारे पेट से जुड़ी परेशानियों के लिए ये एक्सरसाइज फायदेमंद होती है। साथ ही इस एक्सरसाइज करने से हमारे पेट की अंदरूनी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है, जो हमारे पोस्टर अलाइनमेंट को ठीक करने में काफी मददगार होती है। ये एक्सरसाइज दिखने में आसान होती है, करने में इतनी आसान नहीं होती है। इसे अच्छा टाइम मतलब काफी देर तक करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कोर को स्ट्रांग करना पड़ेगा इस पोजीशन में ज्यादा देर होल्ड करने के लिए। अगर आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको बहुत फायदे होंगे, सिर्फ आपको पोस्चर अलाइनमेंट के लिए नहीं, बहुत सारी ऐसे भी फायदे होंगे जिससे आपका वजन भी कम हो रहा है और आपकी स्पाइन कोर्ड भी मजबूत हो रही है, आपकी अंदरूनी मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो रही है। तो इस एक्सरसाइज को करना काफी जरूरी है और हर किसी को करनी चाहिए। फोर्थ वन इज डीप एब्डोमिनल स्ट्रेचिंग। इस एक्सरसाइज को करने से हमारा कोर मसल्स स्ट्रांग होता है, जो कि हमारे पोस्चर को सपोर्ट करने के लिए काफी जरूरी होता है। जितना ज्यादा इस मसल्स को हम स्ट्रांग करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे, उतना ही बेहतर हमारा पोस्चर होता जाएगा। सिक्स एक्सरसाइज है साइड प्लैंक। साइड प्लैंक हमारे बाजू, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे ग्लूट्स की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जो कि हमारे पोस्चर अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए काफी फायदेमंद एक्सरसाइज है साइड प्लैंक। लास्ट एक्सरसाइज है थोरेसिक स्पाइन रोटेशन। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो स्पाइन कोड है, थोरेसिक स्पाइन वर्टिब्राल है, उनके अंदर जो स्टिफनेस है, जकड़न है और दर्द है, इसमें राहत आती है। और साथ ही हमारी जो वर्टिब्राल है, थोरेसिक वर्टिब्राल है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे कि हमारे जो पोस्टरल अलाइनमेंट बिगड़ा होता है उसको सही करने में आसानी होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये मेरा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जमकर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक गाइज़।